हेलो एवरीवन, निशास फूड मैजिक में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं खस्ता कचौरी और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। और मुझे ये बहुत ही टेस्टी लगती थी और इसके लिए मैंने कई तरह से आलू की सब्ज़ी को बनाकर ट्राई किया। मेरे लिए ये बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल मार्केट जैसी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसी को शेयर करते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले कचौरी के लिए आटा लगाएंगे। आटा लगाने के लिए यहाँ पे हमने लिया हुआ है मैदा। यहाँ पे लगभग 2 कप के करीब मैदा है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, साथ ही डालेंगे इसमें हम आधा चम्मच के करीब अजवाइन। तो इस तरह से हाथों से क्रश करके डालें और साथ में हम डालेंगे मोयन के लिए घी। इसके बाद इसका हम अच्छे से मोयन लगाएंगे। तो इस तरह से दोनों हाथ से अगर आप रब करके इसे मिक्स करें तो बहुत ही अच्छे से ये मिक्स होगा। और इसको चेक करने का तरीका यही है, तो इसे आप जब बांधने की कोशिश करेंगे तो इस तरह से मुट्ठी में आप दबा कर बांधें, और इस तरह से अगर वो अच्छे से बंध रहा है इसका मतलब है कि मोयन आपका अच्छा लगा है। तो चलिए मोयन हमारा अच्छी तरह से लग गया है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए बिल्कुल सॉफ्ट डो लगा के तैयार करेंगे। तो जैसे हम रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए डो बनाते हैं, उसी तरह का हमको डो लगा के तैयार करना है। तो कचौड़ी का डो हमेशा सॉफ्ट लगाते हैं और इसे हम एक गीले कपड़े से इस तरह से ढक के रख देंगे। कम से कम 1 घंटे का रेस्ट ज़रूर दें, तभी कचौड़ी अच्छी बनेगी। तो चलिए जब तक रेस्ट पे है ये कचौड़ी का डो, हम तब तक मसाला तैयार करते हैं। 3 चम्मच यहाँ पे हमने डाल दिया है धनिया। इन सब चीज़ को हमको रोस्ट करना है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा। थोड़ा सा भून लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है। अभी हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सौंफ। तो सौंफ को डाल के भी हम थोड़ा सा भून लेते हैं। इसके बाद इस मसाले को थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए देंगे और इस तरह से मोटर पेस्टर में डाल के हम थोड़ा दरदरा कूट लेंगे। आप चाहें तो मिक्सर में भी कर सकते हैं, पर अपना ध्यान रखें कि बिल्कुल फाइन नहीं बनाना है इसको, इस तरह का दरदरा होना चाहिए। तो चलिए इस मसाले को हम साइड में रखते हैं। और कचौरी की स्टफिंग के लिए यहाँ पे हमने ली हुई है धुली हुई उड़द की दाल। तो इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो करके रखा था। इसको हम डाल देंगे इसी मोटर पेस्टल में और इसको भी हमको दरदरा पीस लेना है। इसे भी आप चाहें तो मिक्सर में पीसें, पर बिल्कुल आपको इसको दरदरा पीसना है। तो देखिए इस तरह का पेस्ट हमको बना कर के तैयार करना है। तो थोड़े थोड़े साबुत भी हैं, थोड़े से पिस गए हैं, इस तरह का होना चाहिए। इसमें जो भी मसाला बनाया था इसका 3 चम्मच हमने डाल दिया है इसके अंदर। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला। इन सब चीज़ को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये पिट्ठी हमारी बनके तैयार हो गई है। और चलिए अब आलू की सब्ज़ी पहले तैयार करते हैं हम। और आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमने लिया हुआ है सरसों का तेल, अच्छे से गर्म किया है और फिर थोड़ा सा ठंडा कर लिया है इसे। इसमें डाल दिया है 1 चम्मच के करीब ज़ीरा। ज़ीरा को थोड़ा सा चटकने देंगे और फिर इसमें हम डालेंगे हींग। तो इस रेसिपी में हींग थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, तो आधा चम्मच के करीब इसमें हमने डाला है हींग। डालेंगे साथ में अदरक और हरी मिर्च, और अदरक को हम हल्का सा सॉटे कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे हम डाल देंगे काट के इस तरह से। थोड़ा सा भूनेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम टमाटर को गलने के लिए देंगे। ढक्कन को लगा देते हैं, तो टमाटर यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। इसमें हम डालेंगे नमक, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर या फिर देगी रेड चिल्ली पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे नॉर्मल रेड चिल्ली पाउडर। और जो मसाला हमने कूट के रखा था, आधा हमने पिट्ठी बनाने के लिए यूज़ किया है और जो बचा हुआ मसाला था उसको हमने डाल दिया है इसमें। और इसको हम अच्छे से भूनेंगे जब तक तेल इसमें से ऊज आउट नहीं होने लगता है। साथ में हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, अच्छे से भूनेंगे। एक बार ढक्कन को लगाएंगे और टमाटर बिल्कुल जब तक मशीनी हो जाए तब तक इसको हमको पकाना है। तो देखिए मसाला भी भुन गया है और टमाटर अच्छे से यहाँ पे मशी हो गया है।
अब इसमें हम डालेंगे आलू। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का आलू है, इसको हम हाथों से इस तरह से चूर के डालेंगे। तो कट करके नहीं डालना है, तभी इस रेसिपी का जो असली टेस्ट है वो आएगा। और आलू डालने के बाद भी हमको इसको थोड़ा सा भून लेना है मसाले के साथ। तो ये जो आलू की सब्ज़ी है, आप चाहें तो पूड़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा आमचूर पाउडर, और यहाँ पे खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा गुड़, बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ जाएगा। और गुड़ नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे चाहें तो 1/4 टीस्पून के करीब शक्कर या चीनी डाल सकते हैं। यहाँ पे आलू अच्छे से भून गया था, गर्म पानी डाल दिया है इसमें। गर्म पानी डालें तो अच्छा रहता है। ढक्कन को लगाएंगे और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए देंगे। और देखिए आलू की सब्ज़ी का क्या बढ़िया कलर आया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया की पत्ती। तो देखिए क्या बढ़िया आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इसे हम अब साइड में रखते हैं और कचौरी हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो कचौरी का आटा भी लगभग 1 घंटा हमने रेस्ट दिया है, और देखिए उसके बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से इसको गूंदना है। तो कचौरी के आटे को गूंदना बहुत ज़रूरी है, आप जितना अच्छा गूंदेंगे उतना ही अच्छी कचौरी बनकर तैयार होगी। इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट लेंगे। छोटी छोटी ही कचौरियाँ बनाएं तो ही अच्छा लगता है खाने में साथ में इसके। इस तरह से जिस तरह से हम फिलिंग करते हैं उसी तरह से एक कटोरी बनानी है छोटी सी, और उसमें हम डाल देंगे इस फिलिंग को और अच्छे से इसे दबाकर स्टफ़ कर देंगे। आप चाहें तो हाथों से इस तरह से दबा करके ही आप इसे बढ़ा सकते हैं, या फिर जैसे मैं बेल रही हूँ बेल के थोड़ा सा हम इसे बढ़ा लेंगे। इसको आपको बिल्कुल पतला नहीं करना है। तो इस तरह से कचौरी बना करके हमको तैयार कर लेना है। और चलिए फ्राई करते हैं। तेल को यहाँ पे हमने गरम होने के लिए रखा है, तो बिल्कुल हल्का सा गरम है तेल। बहुत गरम तेल में आप कचौरी नहीं डालें, और कचौरी डालने का भी यही तरीका है कि डायरेक्ट आप नहीं डालें, नहीं तो कई बार नीचे लग जाती है फिर तुरंत से कलर पकड़ लेती है। तो इस तरह से कलछी पर रख के आप डालें इसमें, और इसको हम बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएँगे, और कम से कम 7 से 10 मिनट लग जाते हैं कचौरियों को अच्छी तरह सीखने में। एक तरफ से हो गया है और ये कचौरियाँ देखिए फूलने लग गई है। इसे हम टर्न कर देते हैं और दोनों तरफ से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आपको अच्छे से पका लेना है। तो देखिए कचौरियाँ हमारी बिल्कुल सिक कर तैयार हो गई हैं, और आलू की सब्ज़ी के साथ इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें, बरसात के मौसम में बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस तरह की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।